बंगाल के बैरकपुर के टीटागढ़ में एक और पोलिंग बूथ पर जबरदस्त बवाल हो गया है। वहां बैरकपुर से मौजूदा सांसद और बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह के पहुंचने पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने गो बैक के नारे लगाने शुरू कर दिया। हंगामा इतना बढ़ गया कि सुरक्षा बलों के जवानों को टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर डंडे बरसाने पड़े। सुबह से बैरकपुर के कई पोलिंग बूथों पर हंगामा हो चुका है। तो ये कुछ तस्वीरें जो है पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान देखने को मिल रही है, जहां पर गो बैक के नारे लगाए गए और इस दौरान पुलिस की तरफ से हल्का बल प्रयोग करना पड़ा टीएमसी कार्यकर्ताओं पर, क्योंकि पोलिंग बूथों पर ये बवाल की तस्वीरें लगातार नजर आ रही हैं। उत्तर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की ऐसी कई सीटें हैं जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन इस बीच पोलिंग बूथों पर बवाल की भी ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर इस मामले को शांत करने के लिए पुलिस की तरफ से लाठियां भी बरसाई गई हैं कार्यकर्ताओं पर। हिंदुओं को नहीं, किसी को भी वोट देने नहीं दिया जा रहा। इसका मतलब है कि तृणमूल कांग्रेस का पैर के नीचे से जमीन खिसक चुका है, इसीलिए ऐसा भाव हो रहा है। और इधर पंजाब में सातवें चरण में वोटिंग होगी और नेता लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के एक नेता के बयान से कैसे पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी एक बड़ी मुश्किल में फंस गई है। कांग्रेस पार्टी को अपने एक नेता के बयान पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक कई राज्यों में सफाई देने की नौबत आ सकती है। दरअसल पंजाब में कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता सुखपाल सिंह खैरा की तरफ से ये बयान आया है कि पंजाब के अंदर गैर पंजाबियों को ना तो जमीन खरीदने का अधिकार मिलना चाहिए और ना ही उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेता सुखपाल सिंह खैरा ने पहले ये बयान दिया और फिर वो अपने ही बयान पर सफाई भी देने लगे, यानी वो खुद भी मुश्किल में घिर गए और उन्होंने पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को भी मुश्किल में डाल दिया। पहले जरा उनका ये बयान सुन लीजिए, फिर आपको दिखाते हैं कि बयान पर पंजाब की दूसरी पार्टियों का आखिर क्या रुख है। कोई भी गैर पंजाबी आन के सीधा जमीन ना ले सके, कोई भी गैर पंजाबी आन के सीधा वोटर ना बन सके, कोई भी गैर पंजाबी आन के सरकारी साड़ी नौकरी ना ले सके। जब सुखपाल सिंह खैरा के इस बयान पर सवाल खड़े होने शुरू हुए तो सुखपाल सिंह बचाव की मुद्रा में आ गए और उन्होंने एक लंबी सफाई पेश कर दी। सुखपाल सिंह खैरा ने कहा कि मेरी छवि खराब करने के लिए मेरे खिलाफ दुर्भावनापूर्ण झूठा प्रचार किया गया। मैंने कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया कि यूपी और बिहार के लोग पंजाब पर कब्जा कर रहे हैं या हम उन्हें बाहर फेंक देंगे। सभी गैर पंजाबियों का पंजाब में अपनी आजीविका कमाने के लिए काम करने के लिए स्वागत है, लेकिन उन्हें सरकारों द्वारा लगाई गई कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। मैं हिमाचल प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड जैसे एक कानून का प्रचार कर रहा हूं, जो इन राज्यों के गैर नागरिकों को कृषि भूमि खरीदने, मतदाता बनने और इन सरकारों द्वारा लगाई गई शर्तों को पूरा किए बगैर सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं देता। कांग्रेस पार्टी 2024 के चुनाव में संविधान की सबसे ज्यादा दुहाई दे रही है। राहुल गांधी पूरे देश के अंदर संविधान की किताब लेकर सभाएं कर रहे हैं और संविधान की किताब दिखाकर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उन्हीं राहुल गांधी की पार्टी के एक बड़े नेता सुखपाल सिंह खैरा का ये बयान अब देश की एकता और अखंडता, साथ ही साथ लोकतांत्रिक भावना पर आघात करने वाला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पंजाब में बाकी पार्टी के नेताओं ने इस बयान का न सिर्फ खंडन किया है, बल्कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तो इसे पंजाबियत की भावना के भी खिलाफ करार दिया। वो कहंदा कहंदा जी बाहरले सूबियां तो जिहड़े आउंदे ने उन्हां ते पाबंदी लाओ। वो मेरे वीरो, पंजाब तां सारयां नूं रोटी खवांदा है, अज तां लंगर ला के पुछदे थोड़ी है कित्थों आया तू। ये तां ये देखो पंजाब दा सूबा ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। पंजाब बीजेपी के भी कई नेताओं ने कांग्रेस के सुखपाल सिंह खैरा की इस विभाजनकारी सोच के खिलाफ अपनी अहम राय दी है। कांग्रेस की बड़ी छोटी सोच है,
गल करो पंजाबी हकां दी गल करो पर आ तां कोई नहीं भी तुसीं दूजिआं नूं माड़ा कहण लगे कि अज बहुत निंदनीय गल बहुत ही माड़ी गल आ जिहड़ी अज इह होई आ देश नूं ते लुधियाणे नूं वंडण दी कोशिश अज कीती गई है दो वर्गां च। कांग्रेस पार्टी के भीतर भी इस बयान को लेकर असहमति के सुर उठने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता केपी सिंह ने भी सुखपाल सिंह खैरा के बयान को गलत ठहराया है। बिहार ते यूपी दे जिहड़े लोग इत्थे कम करदे है साडे लई उह बहुत इंपोर्टेंट है बहुत जरूरी है पंजाब दी इकोनमी च उहनां दा बहुत बड़ा योगदान है असी इहनां दा पूरा सत्कार करदे हैं। देश की हर पार्टी को विभाजनकारी सोच वाले नेताओं पर कड़ी कार्रवाई करके पूरी पार्टी को ये संदेश देना चाहिए कि राष्ट्रीयता की संवैधानिक भावना का अपमान करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इधर घाटी में आज मतदान जारी है। बारामूला से उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन उनके पिता फारूक अब्दुल्ला ने चुनाव प्रचार के दौरान एक ऐसा बयान दे डाला है जिस पर सियासत गर्मा गई है। फारूक अब्दुल्ला ने आतंकी हमले की जांच की मांग अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से कराने की मांग की है जिस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने विरोध दर्ज करा दिया है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के विवादास्पद बयान पर बवाल मच गया। फारूक अब्दुल्ला ने शोपिया और अनंतनाग में हुए आतंकी हमलों पर प्रतिक्रिया देते हुए ऐसा बयान दे डाला जिससे कश्मीर घाटी से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्मा गई। फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर में इंटरनेशनल कम्युनिटी को बुलाने की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि सरपंच की हत्या की जांच होनी चाहिए, अगर जांच नहीं करते तो अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसियों को इस मामले में जांच करनी चाहिए। ऐसी घटनाओं से टूरिज्म सेक्टर पर असर पड़ रहा है। ये तो आजाद मुल्क है, इसमें तो हर कोई पार्टी हो सकती है, हर कोई अपने कलाम लोगों तक पहुँचा सकती है। किसने मारा इसको, इसकी तहकीकात होगी और इसकी तहकीकात जल्दी होनी चाहिए। दूसरा, इन्होंने जो हमला पहलगाम में किया टूरिस्ट पे, उसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्यों हुआ, कैसे हुआ और कौन जिम्मेवार है इसका। और अगर ये तहकीकात नहीं करते तो हमें इंटरनेशनल कमेटी को बुलाना चाहिए जो उसकी तहकीकात करे कौन जिम्मेवार। फारूक अब्दुल्ला के इस विवादास्पद बयान पर ना सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस ने भी विरोध जताया। वारदात हुई है, सरपंच को मारा गया है, भारतीय जनता पार्टी से जो व्यवस्था था उस पर फारूक अब्दुल्ला फिर से राजनीति कर रहे हैं, उसकी जांच इंटरनेशनल एजेंसी से करवाई जाए, इस प्रकार की उनकी सोच है। जब खुद अपनी सिक्योरिटी लेकर के चलते हैं, वो भारत की सिक्योरिटी है, भारत के नौजवान उनके साथ चलते हैं, लेकिन हर बार लोगों को गुमराह करना, खास करके इस इलेक्शन के पीरियड के दौरान जो इनकी स्टेटमेंट्स है कोई खुद मरवाया गया, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जिम्मेवार व्यक्ति की तरह इनको बात करनी चाहिए और उन लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए जिनकी शहादत हुई है, उनके परिवार से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विचारों के खिलाफ हैं, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है हम उससे भी सहमत नहीं हैं, लेकिन ये कहना कि अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर इसकी जांच होनी चाहिए, ये खुल्लम खुल्ला हम कहेंगे कि हम हमारे देश के अंदर इंटरवीन करें, वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। दरअसल जम्मू कश्मीर में बीते शनिवार को दो जगह आतंकी हमले हुए थे। पहली घटना अनंतनाग में हुई जहां आतंकियों ने एक टूरिस्ट कपल को गोली मार दी थी, जबकि दूसरी घटना शोपिया के हीरपोरा में हुई थी जहां आतंकियों ने बीजेपी नेता एजाज अहमद शेख की गोली मारकर हत्या कर दी। एजाज अहमद पूर्व सरपंच थे। कश्मीर घाटी में फिर से सिविलियन को टारगेट करने की घटनाओं से वहां विरोध प्रदर्शन तेज हो गया, जगह जगह आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। इसी प्रदर्शन के बीच फारूक अब्दुल्ला के विवादास्पद बयान ने मामले को और हवा दे दी है। और इस बीच पांचवें चरण का मतदान जारी है। दोपहर 3 बजे तक की अगर हम वोट प्रतिशत को देखें तो 47.53% मतदान हुआ उत्तर प्रदेश में दोपहर 3 बजे तक। आपको बता दें 47.55% मतदान हुआ है बिहार में, 45.33% और झारखंड में 53.90% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में दोपहर 3 बजे तक 62.72% मतदान हुआ है। उड़ीसा में 48.73%
9.5% मतदान हुआ है। महाराष्ट्र में सबसे कम 38.77% मतदान, और जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो 44.90%, और लद्दाख में 61.26% मतदान हुआ है। तो सबसे कम वोट परसेंट महाराष्ट्र का निकलकर सामने आ रहा है, और हर फेज में महाराष्ट्र में बहुत कम संख्या में लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी लोकतंत्र में सही नहीं है। आप लोग अपने घरों से बाहर निकलिए और वोट डालिए ताकि आप अपनी भागीदारी निभा सके अपनी सरकार चुनने में। पांचवां चरण बहुत अहम था और इस चरण में कई दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के चुनावी दौरे पर है। करनाल की रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान का आरोप लगाया है। एक कांग्रेस पार्टी के राहुल बाबा किसानों की बात करते हैं, मैं आज यहां से उनको पूछने आया हूं, एक किसान के बेटे जगदीप धनखड़ जी का आपने अपमान करने का काम किया, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ जाट किसान का नेता जगदीप धनखड़, उसको आपने अपमानित करने का काम किया है। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।